जब भी बाहर से टूरिस्ट आता है, पूरी दुनिया जब भारत की तरफ देखती है तो भारत के इतिहास को देखकर नतमस्तक हो जाती है, हाथ जोड़कर कहती है कि ग्रेट है यहाँ की माँ का चरित्र, ग्रेट है यहाँ की महिलाएं जो अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर लड़ती है देश की आजादी के लिए। उसी तरह महारानी पद्मावती, जिन्होंने इतिहास में एक नई धरोहर कायम की, पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। उस वक्त जो मुकाबला हुआ दो राजाओं के बीच में, मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच में, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, आज इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से कहानियां प्रदर्शित की जा रही है वो कहानियां गलत है। मेवाड़ चुनौती था पूरी दुनिया के सामने, मेवाड़ कभी झुकता नहीं था, वो अपनी आन बान और शान के लिए जाना जाता था। दिल्ली का राजा चढ़ाई करता है मेवाड़ पर, मेवाड़ को झुकने के लिए कहता है, मेवाड़ जब झुकता नहीं है तब दो राजाओं के बीच में मुकाबला होता है। उस वक्त जब राणा रतन सिंह को कैद कर लिया जाता है, उसके बाद गोरा बादल के नेतृत्व में 700 पालकियों में 700-800 लोग जाकर पूरी अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर भारी पड़ते हैं, राणा रतन सिंह को छुड़वा लेते हैं। लेकिन जब युद्ध में यह समाचार मिलता है किले में कि राणा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, तब महारानी पद्मावती अपने साथ 16,000 अन्य महिलाओं के साथ, जो वहां पर सिर्फ एक जाति किसी एक वर्ग की नहीं थी, जो भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, उनके साथ जोहर इसलिए करती है कि यहां की मां अपने चरित्र आन बान श्यान गौरव के साथ समझौता नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने आप का नाम उत्सर्ग कर देती है, बलिदान हो जाती है। ऐसी मां का चरित्र, यदि इतिहास में एक फिल्मकार उस चरित्र से कुछ कमाई करना चाहे, गलत तथ्य प्रस्तुत करना चाहे और उसमें प्यार प्रेम के झूठे प्रसंग दिखाना चाहे, तो वो चुनौती सिर्फ किसी जाति या धर्म के लिए नहीं है, वो चुनौती पूरे भारत के लिए है। आज सरकार की ड्यूटी बनती है कि सरकार अपने राजधर्म का पालन करे। आजादी को 70 वर्ष हुए हैं, आजादी के इन 70 वर्षों पहले जो राजा महाराजा राज करते थे वो सिर्फ किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, वो पूरे हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके न्याय सिद्धांत और कानून की आज भी सब जगह किस्से कहानियां सुनाए जाते हैं कि इस तरह के राजा हुआ करते थे जो तलवारों के दम पर अपने आप को न्योछावर कर देते थे, अपने बच्चों को न्योछावर कर देते थे, लेकिन देश और धर्म की रक्षा करते थे। महारानी पद्मावती इस देश के धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, इस देश की मां के चरित्र का प्रतीक है, इस देश की जो वीर महिलाएं हुई है, जो अपने देश और धर्म के लिए, अपने देश के हर व्यक्ति के लिए और धर्म की रक्षा के लिए जौहर कर लेती है। आज एक फिल्म निर्माता के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ये कहती है कि यह फिल्म तो हम प्रदर्शित करवाएंगे, आप खुद कलाकार रही है, आपका कलाकारों के प्रति दर्द वाजिब है, लेकिन कोई भी कलाकार सिर्फ कमाई करने के लिए, कोई भी फिल्म निर्माता सिर्फ कमाई करने के लिए हमारे देश के इतिहास से छेड़छाड़ करेगा और यदि माहौल बिगड़ेगा तो उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। केंद्र और राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है इस देश के धर्म और इतिहास की धरोहर की सुरक्षा करना, इस देश की मां के चरित्र को लेकर जो इतिहास में किस्से कहानियां उनकी वीरता के और गौरव के जो प्रदर्शित किए गए उसको सही प्रदर्शित करना इस देश की सरकार की ड्यूटी है। यदि महारानी पद्मावती फिल्म इतिहास के छेड़छाड़ के साथ प्रदर्शित की गई तो किसी भी कीमत पर फिल्म को चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार जो सच्चा इतिहास है वो फिल्म में दिखाए ये तय सरकार करे, क्योंकि सरकार अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकती। सरकार की, बीजेपी की, केंद्र और राज्य की सरकार की आदत है जब भी कोई माहौल बिगड़ता है उसके बाद सरकार कभी कहती है हम सीबीआई जांच दे देंगे, कभी कहती है हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन सरकार की ड्यूटी बनती है माहौल बिगड़ने से पहले सरकार महारानी पद्मावती फिल्म पर बेन लगाए, पहले इतिहासकारों को, आंदोलनकारियों को, देश के गौरव और इतिहास को समझने वाले लोगों को फिल्म दिखाई जाए, उसके बाद यदि वो लोग कह दे कि फिल्म महारानी पद्मावती के चरित्र को सही दर्शाती है, इतिहास को सही दर्शाती है, तो उस फिल्म को दिखाया जाए, क्योंकि उस फिल्म में पूरी दुनिया जानती है कि महारानी पद्मावती का एक ही इतिहास है कि वो बलिदानी, जबरदस्त वीर, देश पर अपने आप को न्योछावर करने वाली, इस देश की मां के चरित्र को प्रदर्शित करने वाली महारानी थी। अकेले जौहर के लिए तैयारी, अपने साथ 16,000 महिलाओं को साथ में लेकर जौहर किया। जब चित्तौड़ दुर्ग में यह सूचना मिली कि चित्तौड़ के राजा जंग हार गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, तो महारानी पद्मिनी ने बाकायदा
खुद जोहर किया तो अपने साथ इतने लोगों को तैयार किया, सब इतनी बड़ी तादाद में तैयार हो गए, इसका उनमें नेतृत्व क्षमता थी। आसान नहीं है 16,000 लोगों के साथ एक साथ जोहर करना, इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ये मजाक का पात्र, मजाक का इशू नहीं है, ये इतिहास का और हमारे गौरव का इशू है। इस इशू पर समझौता नहीं हो सकता। सरकार को तुरंत प्रभाव से महारानी पद्मावती फिल्म पर रोक लगानी चाहिए। पहले यह तय करना चाहिए कि फिल्म में कोई भी गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं की गई है, उसके बाद प्रदर्शित की जाए। और यदि इससे पहले प्रदर्शित की गई, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक फिल्म निर्माता को चिंता पैसा कमाने की है, फिल्म निर्माता को चिंता कॉन्ट्रोवर्सी करने की है, क्योंकि उनको प्रचार मिल रहा है। अरे भाई, आपको तो प्रचार मिल रहा है, लेकिन इस प्रचार से हमारी जो बदनामी हो रही है, इस देश के किस्से कहानियां जो दुनिया के मीडिया में प्रदर्शित हो रहे हैं, और इस फिल्म की जो चर्चा पूरी दुनिया के मीडिया में हो रही है, उसके जरिए आप तो नाम कमा रहे हैं, आप इस फिल्म को विदेश में भी बेच दोगे, लेकिन सरकार को विदेश में भी इस फिल्म के बेचने पर रोक लगानी चाहिए और तय करना चाहिए कि भारत के अलावा भी ये फिल्म पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाई जाए। यदि ये फिल्म भारत के बाहर भी दिखाई जाती है, उससे भी भारत पूरा बदनाम होगा, इस देश का इतिहास बदनाम होगा, क्योंकि इतिहास यहाँ की सच्चाई, ईमानदारी, वीरता, शौर्य, बलिदान और गौरव को प्रदर्शित करता है। और यदि इस फिल्म में ऐसा नहीं है और वो भारत के बाहर दिखाई जाती है, इससे पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, यहाँ का इतिहास बदनाम हो जाएगा। सरकार की ड्यूटी बनती है तुरंत प्रभाव से महारानी पद्मावती फिल्म पर रोक लगाए, और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है और कहीं भी राजस्थान में और देश में कहीं माहौल बिगड़ा, लाठी गोली चली, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत लोगों का दर्द सामने आ रहा है। उस दर्द को सरकार को समझना चाहिए और समझ कर तुरंत प्रभाव से महारानी पद्मावती फिल्म पर रोक लगानी चाहिए। सरकार ने ऐसा नहीं किया तो सरकार को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।